सर अनंत स्वरूप वर्मा जी के यहाँ हम लोग अब बातचीत का सेकेंड राउंड शुरू कर रहे हैं। थोड़ा इसमें हम लोग फटाफट कुछ पर्सनल चीज़ें जानेंगे सर से, जो है जो आमतौर पे बताते नहीं हैं हमारे कामरेड साथी लोग, जो है सोचते हैं कि दुनिया पे चर्चा करो, देश पे चर्चा करो, क्रांतिक बात करो, पर्सनल छोड़े तो पर्सनल है लेकिन हम लोग भी थोड़ा शरारती टाइप के हैं, खुद खुद के पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं। सर पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप ने जीवन में प्रेम किया कि नहीं, क्योंकि प्रेम को लेके जो है कामरेड और सरुकाई लोग काफी संवेदनशील रहते हैं, पजेसिव रहते हैं और चकित रहते हैं, तो आपकी क्या, आपका क्या स्टेटस है? नहीं, हमने भी, मैंने भी प्रेम किया है और इंजीनियरिंग, लेकिन बड़ा प्लेटोनिक प्रेम रहा है। अच्छा, क्योंकि आमतौर पर वो एक तरफा ही होता था। जी जी जी, जी। मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाता था। अच्छा, तो प्रेम तो किया है जी। आपने फिल्में कब देखने शुरू की और सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी आपकी? नहीं, फिल्में देखनी जो शुरू की हो तो हमने शायद पहली फिल्म 1953 में देखी थी। अच्छा, और वो देखी थी निरंजन टाकीज इलाहाबाद में। अच्छा, उस फिल्म का नाम था धुआं जी, तो उसकी तो बड़ी धुंधली सी याद है कि कैसे कैसे लग गया था। अच्छा, बाकी फिल्में मैं खूब देखता था। पसंदीदा हीरोइन कौन आपकी थी उस किशोर उम्र में? नूतन। नूतन, उनका सबसे प्रिय सीन क्या याद आता है आपको जो है? नहीं, उनकी कई फिल्में जैसे सुजाता मुझे बहुत पसंद थी। हीरो के रूप में अच्छा सबसे कौन लगा? दिलीप कुमार। अच्छा, आप फिल्मी गाने गाते वगैरह रहे हैं? गाना नहीं, बस अपने तक गुनगुना। विनय शेखर जी ने बताया था कि एक बार गाया था आपने जो है, कोई ऐसे ही कभी दो लाइन गुनगुना दीजिए, कोई भी जो याद आ करके दो लाइन गुनगुना दीजिए, क्योंकि आजकल के नौजवान जो है गाना खट से गा देते हैं, कहने भर की देर होती है और हम लोग आपको नौजवान ही मानते हैं नहीं, लेकिन कौन सा गाना है? कोई कोई दो लाइन, अभी शेखर जी ने बताया था कि एक बार आपने जो है दो लाइन गुनगुनाया था जो है कौन सा गाना था शेखर जी? ए गमे गम दिए मुस्तकिल। हाँ हाँ हाँ, गम दिए जी, गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाये हाये ये जालिम जमाना, ये उठेगा हेलो तुमसे ऐ महलो नम नाना, हाये हाये ये जालिम जमाना। क्या बात, क्या बात, शानदार सर, शानदार सर। आपको सबसे ज्यादा दुख कब महसूस हुआ? सर्वाधिक दुखी, पेनफुल, डिप्रेस्ड कब फील किया आपने? क्योंकि आप वैसे तो बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही लोगों को संबल दिया आपने जीवन में। सबसे ज्यादा दुख जब देवदास के रूप में दिलीप कुमार की मृत्यु होती है। अच्छा, अगर सचमुच में तो सबसे ज्यादा दुख तो हाँ, उससे बड़ा दुख कभी नहीं हुआ। आपके अपने जीवन में कोई दुख नहीं रहा इतना बड़ा? अपने जीवन में इतने हादसे हुए कि उसमें ये बता पाना बड़ा मुश्किल है जी। कि मतलब इतने अपने निकट के लोगों का, कोई ऐसा हादसा जो तुरंत याद आता हो, लगता है कि मतलब वो अभी भी चुभता है? या मेरे पिताजी की मृत्यु जो हुई कर लिए, वो एक छाया मन पे बनी रह जाए। शायद एक पिता होते तो शायद आपकी परवरिश किसी और रूप में होती फिर, नहीं? हाँ, मतलब वो बहुत ही, या फिर एक जो छत, एक जो पेड़ होता है जो अपने एक नीचे स्नेह प्रेम जो बरसाता है, नहीं? हालांकि मेरी माँ बहुत बहादुर महिला थी जी, और उन्होंने बहुत साहस के साथ हम लोगों को पाला। तो और सर ये खेल, खेल में आपकी रुचि रही कभी? नहीं, कभी आपने खेल? नहीं, मैं कॉलेज के दिनों में हॉकी खेलता था जी। अच्छा, हॉकी आपने खेला? हाल फिलहाल फिल्में नहीं देखी आपने इधर? नहीं, मैं बराबर फिल्में देख रहा हूँ। जैसे अभी कौन सी फिल्म देखी आपने? अभी कुछ दिन पहले हमने देखी थी पिंक, देखी थी। अच्छा, आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं? मतलब हर समय के अलग अलग रहे होंगे, किशोर उम्र में ऐसे कहानीकार आपका कोई रोल मॉडल और रहा होगा, फिर क्रांतिकारी ग्रुप में आपका रोल मॉडल, अभी फिदेल कास्त्रो के बहाने चेगुवेरा और चर्चा हो रही है, आपके मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसने आपको इंस्पायर किया? चेगुवेरा, उनका जो पूरा घुमंतू और क्रांतिकारी था। हाँ, पूरा घुमंतू, क्रांतिकारी, रोमांटिक,
और हर तरह से उन्होंने मतलब तो विनय श्रीकर जी आप इधर आइए, आप जब देख रहे हैं एक इंटरव्यू हो रहा है तो इतना हमको एडिट करना पड़ेगा उसमें, फिर अब उंगली करने जा लग रहे हैं ना, मना किया जा रहा है, चलिए अब इतना हमको काटना पड़ेगा इसमें जो है, चलिए कोई नहीं। अरे वो हर पूछ रहे तो गाना दिया वर्मा जी आपकी आवाज में कोई हो गया भाई, हो गया वही आवाज है, हो गया भाई, हो गया हो गया। तो हाँ सर, ओवरऑल जो आपने 50 साल की पत्रकारिता को आपने दिया है, इसमें आपने बहुत नज़दीक से राजनीति को भी देखा, खासकर जो कम्युनिस्ट आंदोलन है देश में वो सफल नहीं हुआ, जिसके लिए पूरी पूरी कई पीढ़ियां अपने को उसने होम किया, तो आपको ये दुख नहीं होता है कि हमने हम लोगों ने जिस एक जनपक्षधर रास्ते को चुना था या कई पीढ़ियों ने चुना था वो एक मुकाम पर नहीं पहुँचा? नहीं, दुख होने का सवाल नहीं है, एक चिंता होती है जी इस पर, और बाकी यह है कि बहुत सारी खामियां रही हैं और बहुत सारे ऐसे अवरोध रहे हैं जिसको हमारे यहाँ का जो क्रांतिकारी नेतृत्व था वो नहीं दूर कर पाया, ये कह सकते हैं। बाकी समाज में हमेशा जो प्रतिक्रियावादी विचार हैं वो जल्दी अपनी जगह बनाते हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों में खासतौर से भारत में जिस जो बहुत गहरे तक जो संस्कार जमे हुए हैं, एक पितृसत्तात्मक समाज का होना और सामंती अवशेष क्या आज भी सामंती प्रवृत्तियां उसी तरह से हैं, तो उसमें प्रगतिशील विचारों को या क्रांतिकारी विचारों को स्थान बनाने में थोड़ा समय लगता है, और जितनी जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था जनता के साथ वो हमारे कम्युनिस्ट नेतृत्व ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे यहाँ का कम्युनिस्ट नेतृत्व, चाहे वो CPI हो, CPM हो, ML हो, CPI CPM में ज़्यादा, ML में कम, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं, यह जो एक भाव रहा कि नेतृत्व जो है कि मैं गगन का चंद्रमा हूँ तुम धरा की धूल हो, यह जो भाव रहा है जनता के प्रति अहंकार, हाँ कि आप इतना जानते हैं कि आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जान रहे हैं और जनता जो है बहुत मूर्ख है, तो इस भाव से जब आप वो करेंगे तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। भारत में सबसे पसंदीदा कम्युनिस्ट नेता कौन रहा है आपका जो है, या जिसको आप औरों से बेहतर मानते हैं इंडिविजुअल कोई लीडर? कई रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो नहीं, जैसे आप कुछ कर लीजिए, नक्सली अपने चार कानून संन्यास से लेकर जो है चारू मजुमदार, विनोद मिश्रा और तमाम जो हैं, आपको मतलब कौन सबसे ज़्यादा कौन ठीक लगा, बेहतर लगा? जाहिर सी बात है चारू मजुमदार, चारू मजुमदार, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय क्रांति की मशाल जलाई जबकि बहुत ही कठिन समय था वो। पत्रकार के रूप में किसे आप सबसे बेहतर माना आपने जो है जीवन में? किसे मतलब? मतलब इंडिविजुअल कौन है? अच्छा, पत्रकारों, पत्रकारिता में जो, देखिए पत्रकार के रूप में दो पत्रकार ऐसे हैं जी जिनको आप सामने रख के बात कर सकते हैं, और ये दोनों हैं हिंदी पत्रकारिता, राजेंद्र माथुर और प्रभास जोशी। राजेंद्र माथुर को आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता के नेहरू, और प्रभास जोशी को कह सकते हैं पत्रकारिता के पटेल। ये जो दो, अब इससे आप पूरा एक डिस्टिंक्शन वो कर सकते हैं कि लोगों की सोच का जो फर्क है, लेकिन इन दोनों ने पत्रकारिता को प्रभावित किया। इससे आप हो सकता है कि असहमत हो, प्रभाष जोशी से बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं, मैं भी बहुत सारे मुद्दों पर असहमत रहा हूं, लेकिन इससे नहीं इनकार किया जा सकता है कि इन लोगों ने कैसे प्रभावित किया। आपने जिस जनपक्षधर पत्रकारिता को अपनाया जिसमें अभाव, संघर्ष रूटीन का हिस्सा होता है, बिल्कुल उसको हम इंजॉय करते हैं, आप इंजॉय करते हैं,
तो उसमें भाभी जी को कभी ऐसा नहीं लगा कि कहाँ पे हम शादी हो गई, किस आदमी के साथ, जो जिसके अरमान, जिसके विजन बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है, उसे जिस तरह का आज का बाजारवादी दौर है, तो उस समय भी रहा होगा, तो उसमें कैसे मतलब दिक्कतें नहीं आई आपके परिवार में, नहीं, उस गृहस्थी समय में? बाजारवादी दौर तो इतना नहीं था जैसा आज है, क्योंकि मेरी शादी हुई है 1971 में, ठीक है, और 71 में उतना वैसा दौर नहीं था। लेकिन चूंकि उनकी पृष्ठभूमि ऐसी थी जिसमें जो मेरे जीवन का जो पूरा आदर्श था और जो उससे मेल नहीं खाती थी, वो एक ब्यूरोक्रेट परिवार की थी। उनके पिताजी एक्टिंग डीएम भी रह चुके थे सुल्तानपुर में, और एक बड़े अधिकारी थे, घर में अर्दली उर्दली सारा कुछ जो है जो होता है, तो माहौल तो बिल्कुल दूसरा था। लेकिन मैंने ऐसा किया जो आमतौर से हमारे कम्युनिस्ट मित्र नहीं करते हैं, कि मेरे यहाँ हमेशा जो होल्ड टाइमर्स थे, मैं टेक्निकली होल्ड टाइमर नहीं था पार्टी का, मैं होल्ड टाइमर ना होते हुए भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज मैं होल्ड टाइमर ही था। तो इससे नुकसान ये होता था कि होल्ड टाइमर को जो प्रिविलेजेज मिलते हैं वो नहीं मिलता था। समाज में, वो तो नहीं मिलता था, और जो कष्ट उठाना पड़ता है वो सब कष्ट मैं उठाता था, तो इसमें मेरी पत्नी भी सहभागी होती थी। लेकिन मैं ये करता था कि कोई भी होल्ड टाइमर अगर मेरे घर में आता था तो उसको मैं इतनी इज्जत देता था कि, और जानबूझ करके, ताकि मेरी पत्नी को, क्योंकि उनको उनकी ट्यूनिंग मुझे अपने अनुरूप करनी थी और कोई दबाव नहीं डालना था। जब वो आई थी तो तीज वगैरह सब व्रत रहते थे, मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन 2-3 साल बाद उनके विचारों में खुद ही खुद ब खुद ये बात ऐसे ही, मैं हमेशा समझाता रहता था, बताता रहता था, मना कभी नहीं किया, कभी दबाव नहीं डाला। तो तीज का त्यौहार हम लोगों की तरफ बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है सुहागिन औरतों के लिए, लेकिन वो कभी अब तीज वगैरह व्रत नहीं रहीं। मतलब हमारे ख्याल से शादी के 4-5 साल के अंदर ही उनका रूपांतरण होने लगा, और बहुत स्वेच्छा से हुआ, दबाव से होता, और कामरेडों की इज्जत करना, तो उससे मतलब आप घर में अगर ऐसा माहौल बनाते हैं ना जिससे लगे कि जो काम ये लोग कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, तब आप भी जो काम कर रहे हैं ना उसके प्रति भी परिवार के अंदर, आपकी जो जीवन संगिनी है उसके अंदर एक सम्मान का भाव होगा, तब वो कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि आकाशवाणी से जब मैं निकाला गया तो मेरे घर में आकर के मेरे कोलीग्स जो है वो आके कहते थे कि तुम एक अंडरटेकिंग दे दो मुझसे, जो माफीनामा जो टाइप नहीं, उसमें अंडरटेकिंग यही कि मैं किसी भी लिप्त नहीं उसमें राजनीतिक उसमें भाग नहीं गतिविधियों लूँगा। और यही बात मुझसे KD मालविया जी ने कहा, जो कि मिनिस्टर थे और मेरे बहुत ही, चूंकि मैं उनके अखबार में काम कर चुका था गोरखपुर में, हाँ, पूर्वी संदेश में, तो वो मुझे अच्छी तरह जानते थे और मानते भी बहुत थे। लेकिन मेरा ये कहना था कि मैं क्यों अंडरटेकिंग दूँ, संविधान में इस तरह की कोई वो बात नहीं है कि मैं अंडरटेकिंग देकर के नौकरी करूं, मैं जो काम कर रहा हूं उसके आधार पर आप जज करिए कि मैं क्या हूं। और मैंने ये भी कहा कि अगर मैं ऑल इंडिया रेडियो के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हूं तो उतना ही खतरा तो मैं रेडियो के बाहर भी हूं, तो आप मुझे गिरफ्तार करिए और मुकदमा चलाइए, लेकिन नौकरी से निकालने का क्या मतलब है? तो मैं इस बात पर अड़ा हुआ था, और उस समय घर में आकर के जो लोग समझाते थे, तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई देख लो ये स्थिति है, क्योंकि वो भी सुनते थे ना सब, तो मैंने कहा ये स्थिति है, अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं अपनी आत्मा को मार के ये अंडरटेकिंग लिखूँगा, अगर अंडरटेकिंग लिखना है तो, और अगर मैं नहीं ज्वाइन करता हूँ तो सरकार की निगाह में मैं एक घोषित विद्रोही, जिसके लिए चूंकि इंदिरा गांधी की सरकार है ये दमन के सारे तरीके अख्तियार करेगी, जिसमें मुझे बिल्कुल
गिरफ्तार करने से लेकर के तुम्हारे साथ जितनी बदसलूकी हो सकती है वो सब होगी, तो तुम बताओ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी आपका मन जो कह रहा हो, आपकी आत्मा जो कहती हो वही करिए, हम किसी भी स्थिति को, मैं ऐसा नहीं चाहूँगी कि आप अपनी आत्मा को मार कर करें। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे जीवन का, और उस टर्निंग पॉइंट ने मतलब मेरे जीवन की पूरी गति ही दूसरी कर दी, धारा ही बदल दी। और इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है कि अप्रासंगिक हो, लेकिन एक कविता ने मुझे बहुत प्रेरित किया था जीवन को ऐसा बनाने में, और वो कविता एक ऐसे कवि की थी जिसको एक कम्युनिस्ट के रूप में हम लोग जिस कवि की बड़ा बड़ा आलोचना करते रहे हैं, अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर की। अच्छा। और वो कविता थी जो मैंने कभी 8th या 9th में पढ़ी होगी, जो मुझे अभी तक याद है। तुम रजनी का चांद बनोगे या दिन का मारतंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर, तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप बनाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे, पुष्ट देह बलवान भुजाएं रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिचकी गाल संवारी मांग सुधर। और अंत में था, जीवन का बन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूनों से। क्या बात। अब ये जो है ना, अच्छा है दो पाठ इसे जीवित बलवान बबूनों से, इस मतलब आप देखिए कविता में कितनी ताकत होती है। इस कविता ने साफ साफ दो धारा दिखा दी, पूरे पूरे जीवन को मेरे एकदम वो कर दिया एकदम, कि जिसकी वजह से किसी भी संघर्ष से कहीं न घबराहट हुई, न कहीं ये लगा कि क्या हो गया, न कभी मैंने भाग्य को कोसा, क्योंकि भाग्य को मानता ही नहीं था। तो ये सब चीजें रही जो। आपकी उम्र सर कितनी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 1943 अगस्त। 43। हाँ। तो अब इस समय एग्जैक्टली कितने साल के हो गए? हम हो गए 73 साल के, 73 प्लस। आपको देख के तो लगता नहीं है कि आप, लगता है इसे अभी रिटायर किए हों, नौकरी से 60-60 साल के हों। राज क्या है, इस सेहत का राज क्या है, क्योंकि आजकल सेहत को लेके पूरी दुनिया बड़ी मतलब परेशान है। देखिए सेहत का राज, बाल भी नहीं गिरे, दांत भी नहीं गिरे, बाल भी मेरे नेचुरल काले हैं, और दबा के आप मिठाई उठाई भी खाए अभी। हाँ, सेहत का राज एक तो ये है कि मैं शुरू से मतलब 24-25 साल की उम्र से ही कुछ न कुछ एक्सरसाइज जरूर करता रहा। अच्छा। जब जवानी के दिन तो कठिन एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सपेंडर वगैरह। अच्छा। और वो सब मतलब ये मसल्स वगैरह, और कम्युनिस्ट होने से पहले मारपीट में भी बड़ी रुचि थी। अच्छा। मतलब बहुत लोगों को गोरखपुर में, गोरखपुर में हर फ्राइडे को हम लोग किसी ने किसी मतलब जिससे बदला लेना होता था या जिसको वो, और नॉर्मली कभी भी हमें व्यक्तिगत तौर को लेकर झगड़ा नहीं हुआ, इसने इसके साथ ये किया तो क्यों किया, इस तरह का। तो मतलब ऐसा भी हुआ कि गोरखपुर के एक बहुत ख्याति प्राप्त हैं हरिशंकर तिवारी, तो हरिशंकर तिवारी जी भी उस समय छात्र थे। अच्छा। और वो डीबी कॉलेज एक है वहाँ, वो पहलवानों का कॉलेज था, तो कभी उनको कहीं वो घिर गए तो टेक्निकल से हम लोग जो है अपना जा रहे हैं साइकिल लेकर के और राड वाड और चेन ऑन लेकर के मारपीट करने, तो ये सब करते थे। कम्युनिस्ट होने के बाद लगा कि ये इससे कुछ नहीं, वो इंडिविजुअल उससे कुछ भी नहीं होगा, समाज को ही बदलने के उसमें अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। तो वो इंडिविजुअल ताकत से समाज की को बदलने की ताकत वाला जो विजन है वो कैसे आया, किसने वो ब्रेन वॉश किया जिसको हम लोग आपस में मजाक में बोलते हैं? निर्विवाद रूप से एक थे कॉमरेड बाल मुकुंद राय। अच्छा। कैसे उनसे संपर्क हुआ? वो हिंदी दैनिक जो निकल रहा था गोरखपुर में, उसमें वो चीफ सब एडिटर होकर के आए थे। अच्छा। चीफ सब एडिटर या असिस्टेंट एडिटर को, असिस्टेंट एडिटर थे, और उसी में हम लोग नौकरी करने लगे थे, पहली नौकरी थी। तो वो नौजवानों को बहुत पकड़ते थे,
और हम लोगों को पूरा मार्क्सवाद के बारे में पहले ले जाते थे, खूब पैसे, वो एक भी पैसा अपने सैलरी का रखते नहीं थे, केवल समोसे खिलाना, मिठाई खिलाना। अच्छा। और ले करके से पहले पूरा खिला आगे नहीं लेके बैठते थे और उसके बाद फिर वो बातचीत करते थे और उसमें से छांट लेते। तो मुझको उन्होंने छांट लिया था, तो मुझसे वो कहते थे कि पक्का करना है। हाँ, वो कहते कि मार्क्स और लेनिन को बाद में पढ़ना। हाँ, को नहीं, अभी तुम्हें जितने भी तुम्हारे मन में सवाल आते हैं वो हमसे पूछते रहो, हम तुमको बताते रहेंगे, उसके बाद हम किताब सजेस्ट करेंगे। तो रात भर हम लोग सड़क पर टहलते हुए, जैसे अगर नाइट शिफ्ट है तो 10 बजे अगर ख़त्म हो गई मान लीजिए, तो उसके बाद 4-5-6 घंटा घूम रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे करते उनके करते समझाने में क्या वो चीज़ थी जो अपील करती थी, मतलब एंगल क्या होता था? वही मार्क्सवादी एंगल था उनका, चीज़ों को बड़े फलक पे दिखाने नहीं का? वो पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, क्योंकि उन दिनों इंडोनेशिया वाली घटना हुई थी और इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बारे में जितनी जानकारी हमें मिली वो राही जी से। अच्छा। राही जी इतना पढ़ते थे और अपने को इतना अपडेट रखते थे, इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी थी। अच्छा। ठीक है ना, और दुनिया की सबसे बड़ी मतलब नॉन रूलिंग, सबसे बड़ी तो सोवियत यूनियन और चाइना की हुई, लेकिन नॉन रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी में इंडोनेशिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। और आप ये भी देखिए कि इंडोनेशिया आज ये बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, उस समय तो नहीं, क्योंकि उस समय सांप्रदायिकता का ऐसा वो नहीं था, लेकिन इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, तो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। मतलब खासकर अब जब लोग कहते हैं कि मुस्लिम मूलतः कट्टरपंथी, कट्टरपंथी होते हैं, ये नहीं हो सकता। और इसलिए वो जो है अमेरिका ने इसी को खत्म करने का वो किया, इसलिए कम्युनिज्म के खिलाफ और मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को उभारने का काम इंडोनेशिया से 1965 से ही शुरू हो गया था। अच्छा। अमेरिका के द्वारा, जिसका जो लोग कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन से, ओसामा बिन लादेन तो बहुत बाद का फेनोमेना है, इन्होंने तो इंडोनेशिया में इसकी शुरुआत कर दी थी, प्रयोग कर लिया था। हाँ, इंडोनेशिया से ही शुरू कर दिया था। और दूसरी है कि इंडोनेशिया में 65 में ही गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, जिसमें नेहरू थे, टीटो थे, नासिर थे, एनक्रुमा थे और सुकर्णो वहाँ के, इंडोनेशिया के। हाँ, और ये जो था पूरे अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक गोलबंदी थी, इसको भी ब्रेक करना था। तो आप मतलब इंडोनेशिया की घटना आज भी बहुत महत्वपूर्ण है यह बताने के लिए कि ये बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र में माओवादियों का कम्युनिस्ट नेपाल में। हाँ, समझे ना, वैसे ही दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक कंट्री में सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी का होना। और वहाँ जो मैसाकर हुआ CIA के, अब तो सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, CIA ने जो कराया उसमें 30 लाख लोग मारे गए थे। क्यों हुआ था ये नरसंहार? वो ये हुआ कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो रूलिंग पार्टी के साथ, सुकर्णो के साथ आ गई थी और कई जगह चुनाव भी जीत गए थे। तो उसके बाद इन्होंने प्रतिक्रियावादियों का, मुसलमानों में से ही प्रतिक्रियावादियों के गुट बनवाए और उनके जरिए इन्होंने कुछ उनकी हत्या करवा दी आर्मी जनरल्स की और कह दिया कि ये कम्युनिस्टों ने किया है। और उसको बहाना लेकर के वो कम्युनिस्टों को नरसंहार हुआ। हाँ, तो बाल मुकुंद राय जी पे हम लोग। हाँ, बाल मुकुंद राय जी, उनकी हत्या हो गई उसको। किसकी? राय जी की। हाँ, राय जी की। कैसे? 1984 में शायद, या 84 में हत्या हुई बिहार में, वो बिहार में हुई औरंगाबाद में, MCC के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। और वो भी किसान नेता थे और लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अच्छा। तो MCC को लगा कि ये हमारे इलाके में इनका प्रभुत्व स्थापित हो रहा है, हत्या कर दी। लेकिन राही जी के तमाम पत्र वगैरह जो है ना, मैंने एक बार छापा था तीसरी दुनिया में, उनसे पता चलता है कि वो कितने एनलाइटेंड थे और किस तरह से वो एक क्रांति का सपना उनके दिमाग में था।
तो उन्होंने ही इंडॉक्ट्रिनेट किया मुझे, और उन्होंने कहा कि तुम कहाँ इन सब लड़ाइयों में पड़ते हो, अरे समाज बदलेगा तो अपने आप ये समस्याएं हल हो जाएंगी। तो ये सब वही था। आज के दौर में जब कि न कोई बड़ा आंदोलन है, जन विक्षोभ तो बहुत है, तो वो जो ट्रेनिंग होती थी लोगों के दिमाग में एक बड़ा फलक आता है, हजार सरकार पैदा होता, अब वो शायद नहीं है। अब एकदम से लड़का आता है, एकदम से वो पैसे और पूंजी की महत्ता उसके दिमाग में भर दी जाती है। अब जो जा रहा है देश या समाज या पत्रकारिता, उसको उसका भविष्य क्या, उसमें अच्छा क्या देखते हैं आप, उसमें सकारात्मक क्या है? देखिए, सकारात्मक तो यही है कि जो युवा पीढ़ी है पत्रकारिता में, उस युवा पीढ़ी को अगर हम गोलबंद करने का प्रयास कर सकें तभी कोई सकारात्मक वो नतीजा निकाल सकते हैं। जो युवक है वो, उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध की, और इसी प्रवृत्ति को मारने की कोशिश हो रही है पूरे मीडिया के जरिए, मतलब आपकी संवेदनाओं को समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है कि आपको संवेदना शून्य बना दे, और इस संवेदना शून्य बनाने में तमाम चैनल्स, पूरा मीडिया के जितने भी रूप हैं वो सब इसमें सक्रिय हैं। और हम कोई वैकल्पिक मीडिया तो खड़ा नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया को ही मान लें कि घर घर पहुंचा हुआ मीडिया है। नहीं, सोशल मीडिया फिलहाल, मैं इसको फिलहाल ही कहूंगा, क्योंकि इस पर आपका कहीं अंकुश नहीं है। नहीं है, ठीक बात है, इसमें विरोधी ताकतें भी उतने ही, हाँ, जिस दिन ये चाहेंगे आप इससे खारिज हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये हो कि आप स्मॉल ग्रुप्स बनाएं जगह जगह, और आप ये मत कहें कि हम वैकल्पिक मीडिया बना रहे हैं, बल्कि वैकल्पिक सूचना व्यवस्था, अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आप बनाने की कोशिश करें। तो आखिर एक समय था ना, गांधी जब थे तो गांधी जी के समय मीडिया तो नहीं था इस तरह से ना, लेकिन गांधी जी का एक संदेश जो है कोने कोने तक पहुंच जाता था लोगों के, तो एक संगठनात्मक वो था। तो बिना संगठन के आप इसको वो नहीं कर सकते, और मीडिया की ताकत जो है उसको, तो मीडिया तो इस समय दैत्य हो गया है। अभी जैसे मजीठिया वेज बोर्ड को लेके देश भर में कम से कम हजारों लड़कों ने जो है मुकदमा किया हुआ है, और खुल के प्रबंधन से लड़ रहे हैं, क्लेम भी कर रहे हैं, तो ये लगता भी है कि मतलब है वो, आपने जो कहा ना कि अन्याय के खिलाफ एक, हाँ वो है। देखिए, हुआ ये है ना कि हमारी जो प्रतिरोध वाली स्पिरिट थी, जो चेतना थी, उसको कुंद करने में जो तमाम ताकतें हैं उनमें मीडिया कर्मियों की जो यूनियनें रही हैं उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही। यूनियनें भ्रष्ट बिल्कुल कर दी गई, और यूनियनें भ्रष्ट हुई, यूनियन ने हमेशा मैनेजमेंट के सामने सरेंडर किया। अगर सरेंडर नहीं किया होता तो जिस दिन ठेका प्रथा शुरू हुआ था पत्रकारिता में, जो कि पहले केवल संपादकों तक होता था ना, संपादक कॉन्ट्रैक्ट पर आते थे, सब एडिटर नहीं आता था कॉन्ट्रैक्ट पर, उस दिन इनको डट के विरोध करना चाहिए था, वहाँ से तो आपने सरेंडर कर दिया। और मैंने तो आपकी सम्मेलन में एक IFWG का किस्सा भी बताया था कि किस तरह से, बताइए, एक यूनियन का, हाँ, मतलब दशकों से जो है, जैसे आजीवन राष्ट्रपति रहा मलावी का राष्ट्रपति हेस्टिंग्स बांडा, उसी तरह ये लगता है आजीवन अध्यक्ष हैं, जाविदा अध्यक्ष, और इन्होंने पूरे यूनियन को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया। और तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मोर्चों पर काम करने की जरूरत है, लेकिन मैंने तो अपने काम को बहुत सीमित किया, सीमित ये करके किया कि एक आदमी सब काम नहीं कर सकता। तो हम ये करें कि लोगों की चेतना के स्तर को जितना उन्नत किया जा सके। समकालीन तीसरी दुनिया को छपते हुए कितने साल हो गए? अब देखिए 1980 से, लेकिन 1980 से 36, और हाँ, लेकिन इसमें 1980 से लेकर के और 2010 तक, हाँ,
ये 5-6 बार बंद हुई और निकली। अगस्त 2010 से 2016 तक नियमित निकल पाई है। अच्छा, तो ये कई बार बंद हुई और कई बार निकली। तो क्या इसी क्रम में माना जाए कि ये फिर निकलेगी? मतलब अभी जो संकट है, आपने स्थगन की, प्रकाशन स्थगन की घोषणा की है, तो ये संकट क्या है? और पहले भी जो ऐसे संकट आए हैं, क्या उसी तरह का है या नेचर बदला है, या आपको लगता है कि जो है ज़्यादा लोड है आपके ऊपर, तनाव है? नहीं, देखिए 1980 के दशक में जब ये पत्रिका निकल रही थी जी, तो एक आंदोलन की मानसिकता थी पूरे देश में। इस तरह की पत्रिकाएं आंदोलन में ही पनपती हैं और ये भी आंदोलन को मजबूत करती हैं। दोनों के बीच में अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे को मदद पहुंचाती हैं। आज देश में आंदोलन का वैसा माहौल नहीं है, लेकिन यह माहौल जल्दी ही बनेगा आंदोलन का। जिस तरह के संकट से पूरा समाज इस समय गुजर रहा है और लोग जिस तरह से त्रस्त हैं, ये स्थिति बहुत समय तक नहीं रहेगी, एक आंदोलन का माहौल बनेगा। तो 1980 के दशक में पत्रिका इस दौर में थी कि काफ़ी लोग इससे आंदोलित होते थे और आंदोलन वाली मानसिकता थी उनके पत्रों में, उनकी प्रतिक्रियाओं में ये चीज़ दिखाई देती थी। 1990 के बाद का दौर जो था वो ग्लोबलाइजेशन के बाद का दौर था। ग्लोबलाइजेशन का एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है, जैसे बिल्ट इन मैकेनिज्म आपके टीवी का या फ्रिज का होता है कि उसमें एक स्टेबलाइजर लगा होता है, वो बिल्ट इन स्टेबलाइजर है। तो ग्लोबलाइजेशन का बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि जन आंदोलनों की खबरों को ब्लैकआउट करो। उसके पीछे लॉजिक यह है कि अगर जन आंदोलनों की खबरें छपती रहेंगी तो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट खराब होगा, बाजार हतोत्साहित होगा, हाँ, तो कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। इसलिए 1990 के बाद वाली जो पीढ़ी थी पत्रकारिता में भी, उसको बिल्कुल उसकी चेतना को कुंद किया गया कॉरपोरेट घरानों द्वारा। कॉरपोरेट का कब्जा होता गया मीडिया पर, और आज तो स्थिति है कि पूरी तरह से मीडिया कॉरपोरेट के ही हाथ में चला गया है। तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता का कर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती वाला है। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि जहाँ 3 स्टेट तो हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और एक तीसरा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 है, और चौथा स्टेट कहते हैं मीडिया को। अब चौथा स्टेट का काम ये था इन तीनों पर निगरानी रखना, और चौथा खुद भी इसमें शामिल हो गया। अब तो एक हाइपोथेटिकल हमें 5th स्टेट बनाने की ज़रूरत है जो अब इन चारों पर निगरानी रखे। वह 5th स्टेट पाठकों और जागरूक पत्रकारों का ही एक समूह हो सकता है जो 5th स्टेट के रूप में काम करे। तो सर, वही हेल्थ वाली बात आपकी थी, वहाँ पे हम लोग फिर आते हैं। तो वो कसरत करते थे आप जो है, उसमें जो है बात बदल घूम गई थी। तो अभी आपके सेहत का राज, अब अभी क्या क्या करते हैं आप जो है? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा योगा करता हूँ। अच्छा, योगासन वगैरह जी, और वॉक तो नहीं कर पा रहा हूँ वो, लेकिन जो दक्षिणपंथी टाइप, भाजपा टाइप होते करते हैं, जी साहब कॉमरेड हैं और योगा कर रहे हैं, इसमें मतलब क्या जवाब दिया जा सकता है? नहीं, तो ये कोई मेटाफिजिकल काम थोड़ी है। योग करना तो अपने शरीर को आप योग कर रहे हैं, योग का मतलब ये थोड़ी कि योग ओम, नहीं है, ओम करके ही योग कर रहे हैं। अरे योग करते हैं, योगा नहीं। आसन करता हूँ। खान पान में आपका क्या पसंद? मैं वेजिटेरियन ज्यादा हूँ। अगर नॉन वेज घर में बनता है, क्योंकि घर में सब लोग बहुत पसंद करते हैं नॉन वेज, तो नॉन वेज बनता है तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन मेरी पहली पसंद वेजिटेरियन है। और एक चीज है, मूंगफली जो है ना, ये मैं 12 महीने बहुत खाता हूँ। हाँ, लोग कहते हैं इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पता नहीं, हमारा तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। अच्छा अच्छा। और ड्रिंक वगैरह आप लेते हैं? ड्रिंक अगर मैं लेता हूँ तो अच्छी शराब, लेकिन अगर एवरेज आप देखेंगे तो साल में
आप समझ लीजिए कि 20-22 बार यही है, मतलब बहुत सिलेक्टेड, बहुत चूजी होके जो है। हाँ, लेकिन मैं अपने पास रखता हूँ दूसरों के लिए। अच्छा, अच्छी स्कॉच। ये तो विनय शेखर जो आपने खुशखबरी दे दी। अरे भाई ऐसा दुनिया किन किन देशों में आपने गए जो है, और उस भ्रमण से क्या इंस्पिरेशन मिला? क्योंकि होता है कई बार हम जब जाते हैं बाहर तो अपने खोल से बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ लेके आते हैं। ज्वेला गए थे ना। देखिए दुनिया के करीब 15-20 देशों में गया हूँगा। अच्छा। तो सबसे पहली मेरी यात्रा थी केनिया के। अच्छा। ये 1989 में शायद। अच्छा। केनिया और जिम्बाब्वे, ये दो जगह मैं गया था। और उसके बाद फिर मैं फिलीपींस गया। ठीक है, फिर चूंकि अफ्रीका, मैंने बताया था कि अफ्रीका मेरी रुचि का विषय था, ये सारी फाइलें भी अफ्रीका पर आपको बहुत दिखाई देंगी। तो मैं साउथ अफ्रीका का इलेक्शन मैंने कवर किया था 1994 में, 94 में, और वो पहला इलेक्शन था जो मल्टी पार्टी इलेक्शन और नॉन रेशियल, जिसमें नस्लवाद समाप्त हुआ और नेल्सन मंडेला चुनाव में लड़े थे। और वो मेरे जीवन का, अगर आप पूछेंगे कि जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव में से, तो वो बिल्कुल अनूठा अनुभव था। अच्छा। दक्षिण अफ्रीका जाना और उस इलेक्शन को कवर करना, जनसत्ता के लिए मैंने कवर किया। अच्छा। और हम लोगों के पासपोर्ट पर लिखा होता था कि दक्षिण अफ्रीका और इसराइल नहीं जा सकते, मतलब जो मोहर लगती थी पहले के जो पासपोर्ट थे। अच्छा। उस पर ये एक्सेप्ट ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका एंड इसराइल। लेकिन आप गए साउथ अफ्रीका। हाँ, नहीं तो उस समय तो वो हुआ ना, अलाउ कर दिया था। अच्छा, तो दक्षिण अफ्रीका तो एक फॉरबिडन प्लेस था ही। लेकिन मैंने नेल्सन मंडेला पर पहला लेख तब लिखा था जब नेल्सन मंडेला को जेल में केवल 7 साल हुए थे, 7 ईयर्स, और वो 27 साल तक रहे जेल में। तो जिसमें मैंने लिखा था, बहुत सारे संपादकों को ये भी नहीं पता था कि नेल्सन मंडेला किसी व्यक्ति का नाम है या किसी देश को उसका नाम है। अच्छा। तब से मैंने लिखना शुरू किया। और उस समय ही मैंने सोचा था कि जिस दिन दक्षिण अफ्रीका आज़ाद होगा मैं जाऊँगा। हाँ, तो कि मैं जाऊंगा, और कुछ संजोग ऐसा बना के मैं चला ही गया। जनसत्ता ने नहीं भेजा था, लेकिन जनसत्ता के लिए मैंने रिपोर्टिंग की। जनसत्ता ने मुझे अधिकार पत्र दिया था वहाँ से भेजने का, और 10 दिन तक मेरी रिपोर्ट पहले पेज पर छपती रही। तो वही वो समय था जब नेल्सन मंडेला से मिला और लोगों से मिला पहली बार। तो दक्षिण अफ्रीका गया, फिर आप पूछे किन किन देशों में, तो नाइजीरिया, घाना, मुझे ये गरीब और हाँ कॉलोनी वाले देश हैं, तीसरे दुनिया के देश। तो अफ्रीका के ये देश हुए। वो जो मैगजीन का नाम एक तरह से सार्थक किया, आपने वो सारे देशों को विजिट किया। फिर श्रीलंका, फिलीपींस और नेपाल, भूटान तो है ही है। और यूरोप में मैं एक लेक्चर टूर पर गया था 8 देशों के, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड्स और बेल्जियम, इन देशों के। आपका अभी कभी मन नहीं करता है कि अब आप एक जिस सेटअप में आप बैठ के मैगजीन निकालते रहे उससे अलग कुछ अब घुमंतू काम किया जाए, कुछ गोलबंद किया जाए, जीवन को दूसरे रूप में जिया? नहीं, मेरा मन ये करता है कि मुझे इतना समय मिल जाए कि कुछ किताबें लिखना चाहता हूँ, उनको मैं लिख लूँ। जैसे मैंने जो तमाम नोट्स लिए हैं, 30-30, 40-40 साल से लिए हुए नोट्स और इकट्ठा किए हुए दस्तावेज, अफ्रीका पर कम से कम 4-5 किताबें मैंने प्लान की हुई थी कि लिखेंगे, नेपाल पर लिखनी है किताब, भूटान के संघर्ष में मैं इतना जुड़ा रहा, वहाँ जो डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष था, और मैं अकेला व्यक्ति था भारत से जिसने शुरुआत की, फिर बाद में तो लोगों को जोड़ लिया। तो इन सब चीज़ों पर लिखना है, लिखने का काम बहुत है।
मुझे आप मेरी उम्र पर ध्यान न दीजिए। जी जी बिल्कुल, उम्र पर ध्यान देने से फिर वो बहुत बड़बोलापन हो जाएगा। अगर उम्र को भूल जाइए तो मुझे 30 साल काम करना है और तब मैं सब काम कर लूँगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा वो मैं कह रहा था कि चाइना को लेके आपकी क्या राय है, मतलब जैसे चीन को एक कम्युनिस्ट देश माना गया है भी, उसने अपने को बदला समय के साथ और एक तरह से वो महाशक्ति के रूप में पैरेलल अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, उसने जिस तरह से भारत के लिहाज में देखिए उसका जो एक अधिनायकवादी कब्जा करना, घुसपैठ करना, उधर तिब्बत कब्जे में लेना, तो ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव, क्या वो ड्रैगन है या खतरा है भारत के लिए? देखिए चीन भारत के लिए कोई खतरा है ही नहीं, ये मैं आपको पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ। अटैक कर चुका है एक बार, वो हुआ था 62 में, क्यों लड़ाई हुई, कैसे लड़ाई हुई, इस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे विवाद हैं। नेवली मैक्सवेल की जो किताब है इंडिया चाइना वार, और पंडित सुंदरलाल की, चलिए मैक्सवेल को मान लीजिए अमेरिकन, तो पंडित सुंदरलाल की जो किताब है, ये सारी किताबें बताती हैं कि उसमें अपरिपक्वता नेहरू की थी जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई। खैर हम उस विवाद में नहीं जाते। जो गाजियाबाद वाले एक लेखक है उनकी भी एक किताब थी ना, जो जिंदा है, बहुत बूढ़े हो गए, नाम बोल रहा हूँ, चरण सांडिल्य, उनकी डेथ हो गई। हाँ डेथ हो गई, डेथ हो गई। अच्छा उनकी भी किताब। हाँ तो लेकिन पंडित सुंदरलाल तो एक नोन, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैक्सवेल और चरण सांडिल्य की किताब भी इन्हीं लोगों से काफ़ी चीज़ें लेकर के हैं। अब चूँकि 1962 में चीन के साथ लड़ाई हो चुकी है और यहाँ पूरा मेरे वतन के लोगों वगैरह वाला जो आंसू आंसू जनता ने खूब बहाया है नेहरू के साथ साथ, तो इसलिए एक साइकी में हमारे चीन एक खतरा है, डराता है वो। हाँ अब इसका फायदा उठा करके अमेरिका हमेशा वो खतरा दिखाता रहता है हम लोगों को। हाँ क्योंकि खतरा अगर चाइना से किसी को है तो अमेरिका को है, इंडिया को नहीं है। इंडिया, आप जितने भी अर्थशास्त्री हैं और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं या राष्ट्रीय भी, उन सबके ओपिनियन आप देख लीजिए, तो हर मामले में इंडिया चाइना से 50 साल पीछे है। ठीक है, इकोनॉमी में, मिलिट्री में, सब चीज़ों में। तो इंडिया, चाइना इंडिया को कोई राइवलरी ही नहीं है, उसकी राइवलरी तो अमेरिका से है, और अमेरिका के जितने डॉक्यूमेंट हैं, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट और ओपन डॉक्यूमेंट, उनके रक्षा मंत्रालय के, उनके वो विदेश मंत्रालय के सारे डॉक्यूमेंट उठा के देखिए, तो वो वही खतरा दिखाई देता है कि चाइना से ही इसको सारा थ्रेट है। और आप खुद भी देखिए, मतलब पूरे उसमें, पूरी मार्केट पर उसने कब्जा कर रखा है। अब ऐसे में अमेरिका के लिए इंडिया जो है सारा काम कर रहा है, मनमोहन सिंह के समय से लेकर के और इस समय तक। मनमोहन सिंह के समय जितना कर रहा था उससे कई गुना ज्यादा ये कर रहे हैं मोदी जी। इससे पहले भी जिस समय पोखरण का विस्फोट हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और पोखरण विस्फोट के समय मीडिया ने, देखिए आज जो मीडिया की स्थिति है वो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने ही मीडिया को चौपट कर दिया, ट्रेंड रहा है। हाँ वो ट्रेंड 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और एल के आडवाणी जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, तो उन्होंने जो तमाम संघियों को सब एडिटर ले जाकर के बैठा दिया था, वो सब 20 साल में एडिटर बन गए और पता नहीं क्या क्या वो हो गए। तो पोखरण वाले के समय में भी आप एक रिपोर्ट देखेंगे जो यूएनआई ने जारी की थी, उसमें लिखा था कि जब से बम विस्फोट हुआ वहाँ हरियाली हरियाली, गायों के थन में दूध भर गया, और क्या हो गया, क्या सब हो गया। और जितनी भी और रिपोर्ट देखेंगे अंग्रेजी के अखबारों के, सब में था कि उसके बाद से लोग परेशान हो गए, आँख की रोशनी चली गई, क्या क्या सर। तो ये तो मीडिया का एक था ही। तो अभी चाइना जो है, नेपाल 1964 में चाइना ने एक सड़क बनाई, कोदारी राजमार्ग नेपाल में, जो तिब्बत से काठमांडू तक की थी। ठीक है, जब वो सड़क बनने लगी थी तो आप पार्लियामेंट की डिबेट उठा करके देखिए, हल्ला होने लगा था पार्लियामेंट में कि अब चाइना जो है वो इंडिया तक उसकी पहुंच हो जाएगी,
क्योंकि वहाँ से बीजिंग से लासा, लासा से काठमांडू, काठमांडू से गोरखपुर, गोरखपुर से दिल्ली, सीधे सड़क टैंक यहाँ तक आ जाएंगे, ये सब हुआ। लेकिन 1964 से लेकर आज तक एक भी रिपोर्ट अपने विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की नहीं है या गृह मंत्रालय की, जिसमें ये कहा जाए कि उस सड़क से इंडिया को कोई खतरा हुआ। लेकिन इतना डिबेट वो हुआ था, पैनिक क्रिएट कर दिया था, तो एक हवा बनाते हैं चाइना के खिलाफ। बाकी चाइना से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। कुछ तो चाइना ने गड़बड़ किया, इसे अरुणाचल वाला हिस्सा कब्जा आया, तिब्बत को कब्जा लिया एकदम से, लामा और बुद्ध को एकदम खत्म कर दिया वहां से। तिब्बत को अगर कब्जा है तो उसे इंडिया का कौन सा खतरा आ गया तिब्बत से? अरुणाचल भी तो तिब्बत से खतरा तो होता नेपाल को, अरुणाचल भी तो कब्जा है हमारा एक हिस्सा, वो सब बॉर्डर पर होता रहता है। उसकी वजह से इतना बड़ा ये थ्रेट नहीं है कि हम चाइना को ले करके और एक पूरी व्यूह रचना करें। जी, 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 चाइना, मैं बता रहा हूँ कि चाइना इंडिया के लिए नहीं, चाइना अमेरिका के लिए थ्रेट है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो यही है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। और चाइना आज कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ, चाइना इज नो मोर ए कम्युनिस्ट कंट्री। उसका जो मॉडल तो वही है ना कि प्रेस पे एकदम अंकुश, एकदम जो करते हैं वो एकदम आदेश वही फॉलो हो, कोई कोई सेकंड पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई मीडिया नहीं स्वतंत्र वहाँ। हाँ, तो इसकी वजह से कोई मानवाधिकार नहीं, जो इसीलिए कह रहा हूँ कम्युनिस्ट कंट्री नहीं, कम्युनिस्ट कंट्री को तो और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो दुनिया में ऐसी कोई कम्युनिस्ट कंट्री आप नहीं है, है जो डेमोक्रेटिक हो? नहीं, कम्युनिस्ट कंट्री ही नहीं है कोई। अच्छा, जब कोई है ही नहीं है तो कहाँ से डेमोक्रेटिक होने का? मतलब आपका ये कहना है कि रियल कम्युनिस्ट कंट्री आज तक कोई बना ही नहीं? नहीं, सोशलिज्म की तरफ बढ़ने का, एक सोशलिस्ट रिपब्लिक था जी सोवियत यूनियन भी, कोई वो कम्युनिस्ट कंट्री नहीं था। क्योंकि आमतौर पर जो कम्युनिस्ट नहीं होता है वो इस बात से बड़ा घबराता चिढ़ता है कि कम्युनिस्ट जो लोग जब देश हो जाता है तो वहाँ नरसंहार होता है, वहाँ मानवाधिकार नहीं होता, वहाँ निजी स्वतंत्रता नहीं होती व्यक्ति की, वहाँ पे कम दिमाग का आदमी भी वही काम करेगा जो बहुत तेज दिमाग करेगा, मतलब एक तरह से बौद्धिक रूप से जो संतुष्टि होनी चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ये एक पेंट किया गया है। हाँ, एक तरफ तो आप ये पेंट करते हैं, दूसरी तरफ आप चाइना को कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं, और चाइना का विकास भी दिखाते हैं कि मतलब उसका इतना विकास हो गया। तो ये तो दोनों बातें आपस में ही अंतर विरोधी है ना। चाइना से हमें ये सबक लेना चाहिए कि देखिए चाइना के शुरू के जो 25 वर्ष थे, 49 में चाइना की आज़ादी के बाद जो शुरू के 25 साल थे माओ त्से-तुंग के समय में, उसमें उन्होंने अपना फाउंडेशन बहुत मजबूत कर लिया। और वो फाउंडेशन जो मजबूत किया, इकोनॉमिक फाउंडेशन, उसकी वजह से आज वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को भी अपने यहाँ जब निमंत्रण दे रहे हैं तो कितना भी वो पूंजीवादी हो जाएं, वो उस हद तक नहीं होंगे जैसे मतलब उनके उनके यहाँ पूंजीवाद का संकट वैसा नहीं पैदा होगा जैसा पूंजीवादी देशों में संकट पैदा हो रहा है। अब भारत की तो मिक्स्ड इकॉनमी वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था जो थी वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी कि उसने बहुत सारा गड़बड़ कर दिया जिसमें पूंजीवाद ही पनप सका। भारतीय टेलीविज़न जो है उसने बहुत सारे लोगों को एनालिस्ट के रूप में बिठाया उन पर तमाम, लेकिन आपको मैं टेलीविज़न पर नहीं देखता हूँ कि कभी आपको बुला के लोग, वजह क्या, डरते हैं, घबराते हैं लोग क्या आप बोल देंगे? नहीं, 3-4 साल पहले तक मैं जाता था, फिर मैंने मना कर दिया टेलीविज़न पर जाना, जो लोग बुलाते हैं तो मैं जाता ही नहीं हूँ। मैंने इसलिए कि उसमें जाने से कोई सार्थक मैं बातचीत नहीं देखता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई बहुत अच्छी बात कह दी, उसको काउंटर करने के लिए 10 प्रोग्राम हो जाते हैं तो कोई फायदा नहीं, उसका कोई असर नहीं है, इसलिए वेस्टेज है। हाँ, टाइम वेस्ट करना है। अध्यात्म को लेकर आजकल बड़ा कई तरह की बातें चल रही है कि जितना आप बाहरी दुनिया में देखते हैं उतना ही एक अंदर भी पूरी एक यात्रा है, जर्नी है। आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ? हालांकि कम्युनिज्म और अध्यात्म बड़ा माना जाता है कि जो है कॉमरेड वैसे विरोधी होते हैं यार, तो क्या आपको लगता है कुछ इनर जर्नी एक होती है वो जो मैच्योर होती है समय के साथ और एक कुछ अलग सा फील होता है, कुछ दूसरी दुनियाएं जो हैं, या हम जो सोते हैं तो एक वो छोटी सी डेथ होती है? नहीं, इसमें जो आप आध्यात्म शब्द लगा दिए हैं ना उससे थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है। इसको नाम कुछ और दे लेते हैं, चलिए। नहीं, नाम कुछ भी दें लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आध्यात्म का रहेगा जी तो प्रॉब्लम पैदा होगी। देखिए, एक चीज़ आप मानिए कि न केवल इस पृथ्वी पर बल्कि समूचे ब्रह्मांड में जो ज्ञात है हमें जी, उसमें सबसे विकसित अगर कोई प्राणी है तो वो मनुष्य है। ठीक है?
ठीक है ना। अब तक तो यही है क्या, अब कल कोई और प्राणी आ जाए और ये पूरे ब्रह्मांड में, तो इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे विकसित प्राणी मनुष्य है तो इसके मतलब उसकी क्षमताएं भी अपार होंगी। अब आप उसको आध्यात्म मत जोड़िए, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन हमारे अंदर क्षमताएं अपार हैं, हम उसको कैसे एक्सप्लोर साधते हैं, साधना कर सकते हैं उसमें कहीं ये। मैं तो एकदम नास्तिक हूँ, मैंने आज तक कभी पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन मैं तो अपने को साधता रहता हूँ, साधता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं से कोई मेटाफिजिकल नहीं होना है, स्पिरिचुअल कुछ लोग कह सकते हैं उसको, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी वाला कॉन्सेप्ट वो तो हाँ वो तो उसकी बात ही नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर छिपी हुई हैं जिनको हम अगर जागृत करें, अगर साधें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओशो को मैं पढ़ रहा था, उसमें था कि ये जो निजी यात्रा होती है अंदर की, वो नितांत निजी होती है, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, और जो साइंस है उसको हम यहाँ तक ले आए, फिर आगे की पीढ़ी उसको बढ़ा रही है, कलेक्टिव एफर्ट है वो। हाँ नहीं वो है, देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूँ। 98 में मुझे साइट्रिका का पेन हो गया, ठीक है ना, और मैंने डॉक्टर को दिखाया उखाया, एक्सरे वक्सरे हुआ तो साइट्रिका की नस एक दबती है जिसकी वजह से भयंकर पेन था, मतलब मैं कहीं चल नहीं पाता था। फिजियोथेरेपी वगैरह भी कराया, थोड़ा बहुत फायदा हुआ। फिर बाद में एक डॉक्टर थे जो कुछ वैसे करते थे, कॉस्मिक रेज से अच्छा क्या करते थे, तो उन्होंने किया, उससे भी कोई बहुत नहीं। फिर मैंने एक प्रयोग ये किया कि रात में 11 बजे मैं बैठ गया अंधेरा करके, दीवार की तरफ मुंह करके एकदम, और मैंने ऑटो सजेशन देना शुरू किया है। पहले मैं ध्यान करते हुए मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी ऊर्जा यहाँ इकट्ठा करूँगा, और कहा कि वो रीढ़ की हड्डी से जा करके यहाँ वो ठीक करें, और कम से कम 7-8 दिन में मैंने ये किया और वो दर्द मेरा खत्म हो गया। अच्छा वर्मा जी, एक मत अब इसमें मेटाफिजिकल आप मत नहीं, वो नहीं, वो नहीं। हाँ मतलब ताकत अंदर है उसको हम साध लिया, साधा अभी हाँ। कहा के साथ साधना, हाँ बोली। ये एक्चुअली जो है साइटिका जो है, अब जो नई खोजें आई मेडिकल साइंस में वो बताती है कि न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, जो भी हो सकता है वो न्यूरो से ही साधा हो, न्यूरो से सकता है उसी से साधा होगा, हो सकता है साधा, लेकिन ये तो हाँ सर काफ़ी अभी सेकंड राउंड अच्छा रहा, और अभिषेक श्रीवास्तव जी, विनय शेखर जी है ना के साथ मजा आया बतियारे में आपसे, फिर हम लोग थर्ड राउंड करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर लेते हैं।